हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 5 के पाठ नंबर 3 पेड़ के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह एक कविता है, चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पाठ में से कविता में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? सही का निशान लगाइए। दिनचर्या यानी डेली रूटीन, यानी कि दिन भर हम जो भी काम करते हैं उसे दिनचर्या कहते हैं। इस कविता में पेड़ की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। हजारों बीज आंखें मीचकर क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर है, हजारों बीज आंखें मीचकर नम मिट्टी की चादर ओढ़कर मिट्टी से ढके हुए अपने बिस्तर में सो रहे हैं। प्रश्न 3 है, पेड़ किस समय और कैसे खाना खाएंगे? इसका उत्तर है, पेड़ भरी धूप में पत्तों की थाली में खाना खाएंगे। प्रश्न 4 है, शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं? इसका उत्तर है, शाम होने पर पक्षी अपने घर लौटकर सुख दुख के किस्से बतियाकर सो जाते हैं। प्रश्न 5 है, रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे? इसका उत्तर है, रात को सोते समय पेड़ हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 6, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कविता की लाइनें लिखी गई हैं, जिसे हमें पूरा कान पकड़कर सूरज जब हौले से धिकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पियेंगे, धरती के रोशन दानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। यह था पेज नंबर 20। अब हम पेज नंबर 21 करेंगे। प्रश्न 7 है, कविता में इन शब्दों का क्या मतलब है? क है चादर तानना, इसका मतलब है आराम से सोना। ख है महटियाए से, इसका मतलब है मिट्टी से ढके हुए। ग है जुगनू की लपर झपर, इसका मतलब है जुगनू की रोशनी का जलना और बुझना। घ है पत्तों की थाली से खाना खाना, इसका मतलब है पत्तों द्वारा तैयार किए हुए भोजन को खाना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, भागेंगे, पिएंगे, झांकेंगे, नाचेंगे, जाएंगे काम वाले अर्थात क्रिया शब्द हैं। इन क्रिया शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जहाँ पर किसी काम का होना बताया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, हमें इनसे वाक्य बनाने हैं। पहला है भागेंगे, वाक्य है सभी बच्चे दौड़ में एक साथ भागेंगे। अगला है पिएंगे और वाक्य है क्या आप ठंडा पानी पिएंगे। अगला शब्द है झांकेंगे और वाक्य है बरसात शुरू होते ही सब खिड़कियों से झांकेंगे। अगला शब्द है नाचेंगे और वाक्य है वार्षिकोत्सव में बच्चे लोक गीतों पर नाचेंगे। अगला शब्द है जाएंगे और वाक्य है पिताजी कल बाजार जाएंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 है, पाठ में आए कोई 6 युग्म शब्द लिखिए। यहाँ पर हमने पाठ में से युग्म शब्द ढूंढकर लिख दिए हैं। चोरी चोरी, हरी भरी, जगर मगर, सुख दुख, धीरे धीरे और लपर झपर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनके समान अर्थ वाले शब्द हमें पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। पहला है संसार, इसका समान अर्थ वाला शब्द है दुनिया। दूसरा है वायु, इसका समान अर्थ वाला शब्द है हवा। तीसरा है जल, इसका समान अर्थ वाला शब्द है पानी। और अंत में सूर्य, इसका समान अर्थ वाला शब्द है सूरज। यह था पेज नंबर 21 और इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।